हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा फॉर 11th June 2024। केवल एफआईएस डेटा डिस्कस करेंगे, लेवल वही इंपॉर्टेंट है जो कल गिवन थे आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट वहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्ले डेटा। बिग प्ले डेटा की बात करूँ तो देखो, थोड़ा सा यहाँ पर जो डेटा बिल्डअप है ना, डेटा किस वे में बिल्डअप है कि कैश मार्केट में आज भी इन्होंने बाइंग की है। बस हमें कल तक का और वेट करना है। अगर कल भी बाइंग रहती है तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि एफआईएस अभी सेलिंग करने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो अगर डीआईएस तो बाय कर ही रहे हैं, एफआईएस भी बाय कर रहे हैं, उसके बाद भी मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग देता है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। बट अगर कल भी ये बाइंग करते हैं फिर ये कंटिन्यूस बाय करेंगे और जो भी सेल कर रहे हैं उन्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। और कल इन्होंने सेलिंग की तो फिर बड़ी ही सेलिंग करेंगे, जो दो दिन की बाइंग है उसे भी निकालेंगे और नई सेलिंग भी करेंगे। तो क्लियर रखना, जैसा कि मेरा पहले भी डिस्कशन था, कल भी हमारा डिस्कशन था कि यार जो भी इलेक्शन से रिलेवेंट जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी वो हो चुकी हैं। ये हो सकता है कि मार्केट या तो फॉल कर दे या फिर साइड वे, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके मार्केट कोशिश करे कि यार CPI डेटा जो वेंसडे को आना है उसके बाद ये फॉल स्टार्ट करे। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट हाँ, मिड कैप निफ्टी की बात करूँ तो वहाँ पर प्रेशर आज देखने को मिला है और कल भी ये कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 3000 करोड़ की बाइंग है यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर गैप अप करा सकते हैं या थोड़ा बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। बट साथ में अगर आप देखोगे इसके साथ में, तो यहाँ पर यानी स्टॉक फ्यूचर में 5400 की सेलिंग भी है। ठीक है, और स्टॉक फ्यूचर में जनरली जो सेलिंग कर रहे हैं वो हो सकता है कि मिड कैप में हो, और मिड कैप में आपको एक प्रेशर और जनरेट होता हुआ देखने को मिले। ठीक है, यानी अभी ये कम्प्लीटली बियरिश भी नहीं है और कम्प्लीटली बुलिश भी नहीं है। ये बुलिश हो रहे हैं इधर तो यहाँ पर बियरिश पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि या तो हम बुलिश हो जा रहे हैं या हम बियरिश हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर फोकस करो कि यार हाँ, हमें भी इसी वे में बिल्डअप रखना है कि अगर साइड वे हो तो भी बेनिफिट हो, और नहीं नीचे गिरे लेवल्स टूटे तभी हमें बियरिश होना है, और ऊपर भी लेवल्स टूटे तभी हमें बुलिश होना है। छोटे से बेनिफिट्स को बुक करो, क्योंकि जो मूवमेंट होने थे वो हो चुके, और अगर आप उसी की एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे तो आप लॉस ही बुक करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन कम कर दो अपनी, क्योंकि वो इलेक्शन के रिजल्ट वाला वीक था, काफ़ी बड़े मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुए, काफ़ी बड़े मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हुए। तो अब एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर दो, नॉर्मलाइज कर लो। विक्स भी थोड़ा कूल ऑफ हो गया है, 16.4 पे आ गया, और भी कूल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एंड हो सकता है वेंसडे के बाद यानी CPI डेटा आने के बाद अगर समथिंग पॉजिटिव CPI डेटा आता है तो विक्स हमारा काफ़ी ज़्यादा यानी 7-8% का करेक्शन ये फिर से दे देगा, और फिर आपको प्रीमियम काफ़ी सस्ती मिलने लग जाएगी। तो अभी डेटा की बात करूँ, डेटा साइड वे टू बुलिश है, बट हाँ कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है कि यार बहुत बड़ा एक साथ यानी एक यानी ये जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो वहाँ पर ये स्टॉक फ्यूचर में बेनिफिट अर्न करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी फोकस रखना है हमें। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आज बाइंग करके गए। ठीक है, एंड ऑप्शन में बाइंग कितनी है, 45 करोड़ की है, ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। बट इसी को ओपन करके देखेंगे आप तो इसमें जो ऑप्शन में बाइंग है वो मिड कैप निफ्टी में 2000 करोड़ की है ना, 2500 करोड़ की मिड कैप निफ्टी में। तो ये चीज़ याद रखना कि यार मिड कैप निफ्टी में हो सकता है आपको एक बड़े मूवमेंट यानी वहाँ एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाए, और निफ्टी बैंक निफ्टी CPI डेटा का वेट करें। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप मिड कैप निफ्टी को अब देखें कि यार उसमें हमारी पोजीशंस किस वे में बिल्डअप हो सकती है। देखो अगर ऊपर भी मूवमेंट आएगा तो भी बड़ा ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन अगर इन्होंने कॉल भी बाय कर रखा होगा तो वो भी डिके होता है, तो अगर ऊपर मूवमेंट आएगा तो वो भी बड़ा आएगा पूरे वीकली। और मिड कैप निफ्टी की बात करूँ तो 14th को इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, यानी इस बार फ्राइडे को ही इसकी एक्सपायरी है, मंडे की हॉलीडे है तो फ्राइडे को एक्सपायरी है, तो मूवमेंट उससे पहले ही आ जाएगा। यानी आपके पास ट्यूसडे है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और अगर प्रीमियम आपको लगता है कि वो सही है तो फिर उसमें मूवमेंट अच्छे खासे मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम इस पे फोकस करें, ऑप्शन सेलर हैं तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हैं। बट हाँ, वेंसडे शाम को हमें हट जाना है मार्केट से, क्योंकि CPI डेटा किस वे में आता है ये हमें पता रात में चलता है ना, यानी हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद पता चलता है, तो बिल्डअप उसी वे में रखना। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।